नमस्कार, हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें। मध्य प्रदेश की आज हम छतरपुर जिला के ऐसे गांव में, जोन गांव को नाम है जोरन, जोरन के अंदर बता दें, और छतरपुर जिला के अंदर कल होना है मतदान, और आपको अवगत करा दें सभी गांव के अंदर प्रत्याशी दावेदार जोरों से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो हमारे बीच में अंतिम दिन के देख सकते हो, हमारे बीच में आज जोरन गाँव के सरपंच प्रत्याशी उम्मीदवार के प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ से महिला सीट के नाते श्रीमती आशा यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। इनके हस्बैंड का नाम है धर्मेंद्र यादव, जो कि धर्मेंद्र यादव जी की पिताजी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मूल मंत्र है इनके पिताजी का, और किस तरीके से मूवमेंट बना रहे हैं गांव के अंदर, जो कल वोटिंग होना है, मतदान होना है, क्या अपील है इनकी गांव के प्रति। पूरा गांव एकत्रित है, इन्हें अपन वोटर कह सकत, सपोर्टर कह सकत। हमारे बीच में पिताजी मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी के। दादा राम राम। राम राम। दादा कैसो का जरा दिख रहा हो गाँव के अंदर, कैसो बहुमत से आ रहे हैं? हाँ। क्या बात है, 50% में हम हैं, 50% में हमारे अन्य प्रत्याशी, मतलब दो पर दो चल रहा चुनाव। हाँ। जा गांव के अंदर। हाँ। दादा मेहनत कितने दिन से हो गई लगभग? लगभग हम पहले 2005 से 2010 तक सरपंच रहे। सरपंच रहे। हाँ। आपके कार्यकाल में जी 5 साल में कहा? हमने अपने कार्यकाल में पूरे गाँव में CC कराई। ठीक। और कपल धारा के कुआं। ठीक। और पूरे गाँव में राशन कार्ड हमने 250-300 बनवाए थे अपने समय में। क्या बात है दादा, पहले से और आपका जमाना अलग होगा। हाँ। हर जनसंख्या। अब हम चाहते हैं अपने गांव में के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको पेंशन मिले। पेंशन मिले। ठीक। सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिले जी। दादा जोरन गांव में वोटिंग कितने की पड़ी? हमारे 1610 वोटिंग है। 1610 वोटिंग है। तो अब कैसो का माहौल दिख रहा है गाँव की जनता का? आप पे विश्वास जता रहे? हम पे विश्वास पूर्व जैसा जता रहे। जता रही जैसा हमारे पहले, हम 2/3 बहुमत से जीते थे पहले। हाँ। क्या बात है, 750 में हमें 250 वोट मिले थे, 550 वोट मिले थे। 550 वोट मिले थे। हाँ। तो इस बार सटीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हम बिल्कुल बढ़िया अच्छी उम्र चल रहे। अच्छा, का क्या वो है बताओ अपने? धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीत रहा है। जीत रहा है, भरोसा आए थे। अच्छा, का क्वालिटी है आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, बताओ विशेषता बताओ। विशेषता है बढ़िया प्रत्याशी है। बढ़िया प्रत्याशी। हमारे बीच में दादा जुड़ेगा। दादा राम राम। दादा आप संग में लगे धर्मेंद्र पिता, धर्मेंद्र पिताजी के संग में, क्या सुखा जर जरा दिख रहा गाँव में, क्या व्यवहार दिख रहा? बहुत अच्छा बहुमत दिखा उनको, मतलब लोगों मतलब आधे पे, मतलब 50% में धर्मेंद्र यादव, मतलब 50-50 चल रहा चुनाव में। आधे में अन्य प्रत्याशी हमारे यहाँ, यहाँ मतलब 13 प्रत्याशी खड़े हैं, 13 प्रत्याशी में सबसे मतलब अच्छी टॉप पे चल रहा है, टॉप पे मतलब धर्मेंद्र। अच्छा बताओ का क्या वो गांव के लोग वोटिंग डाल में निकले थे? निकले घर बैठे थे? नहीं, वोट डाले निकले। हमारे बीच में दादा राम राम। राम राम। बताओ दादा कैसो का जनसंपर्क चल रहा हो? बहुत अच्छा चल रहा हो। अच्छा चल रहा हो। आप बताओ जब का क्या धर्मेंद्र जी के बारे में बताओ, व्यवहार क्या सो है धर्मेंद्र जी? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है तो जाओ, तुम लेकर निकाल के जाओगे। हां जीतेंगे। दादा चुनाव चुनाव बताओ तो जनता को, कहा चुनाव चिन्ह है और कल के लाग विनती कर लो कि भज्जा घर से निकले, लोग वहाँ खाना बाद में खाए। चुनाव चिन्ह चश्मा है। चश्मा है? चश्मा यहाँ पहने हो दादा? हमारा सभी मतदाताओं से निवेदन है जी, पहले मतदान अपना मतदान करें, फिर बाद में काम करें, वोट डालें। ठीक। अच्छा बता दें मध्य प्रदेश छतरपुर जिला के जोरन गांव में खड़े थे, हमारे बीच में 50-50 चुनाव चल रहा है गांव के अंदर। धर्मेंद्र नेहरवार जी के पिताजी थे, जो कि 5 साल इनने पहले भी 2010 से लेकर 15 तक, धर्मेंद्र यादव 2010 से लेकर 15 तक गांव के अंदर सरपंच के रूप में गांव की सेवा करी। जब आ रही भी इनके मूल मंत्र बहुत अच्छे हैं गांव के प्रति, बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन की बात कर रहे हैं जी, गांव की सड़कन की बात कर रहे हैं, नल की कर रहे हैं, यहां गांव के अंदर गौशाला की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जोरन गांव की जनता कैसे इन पर विश्वास जताकर इन्हें सरपंच की गद्दी पर बैठाने की काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, जनता से अपील हम भी करवो चाह रहे हैं कि कल है वोटिंग, घर से अवश्य निकलें, खाना बाद में खाएं, नहाएं बाद में जाएं, उसके पहले वोटिंग करें, उसके बाद सब काम करें। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देवदूत झांसी।